किसानों के मुताबिक कल तक 178 किसान इस आंदोलन में दम तोड़ गए। किसानों को हिंसा ही करनी होती तो लाखों किसान 63 दिन से हाड़ कंपकपाती सर्दी में दिल्ली की सीमा पर शांतिप्रिय तरीके से सत्याग्रह कर न्याय की गुहार क्यों लगा रहे हैं? तो पहले दिन हो सकता था। अगला बिंदु, कल से सारे न्यूज चैनलों ने किसान नेताओं और दूसरे लोगों से तो बहुत सारे सवाल पूछे, पर क्या किसी ने गृह मंत्री अमित शाह से इन घटनाओं की जिम्मेदारी लेने के लिए भी कहा? मुझे मालूम है सर आपने कहा, मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं। अगला बिंदु, क्या हिंसा का वातावरण बना यह सब किसान आंदोलन को बदनाम करने की मोदी सरकार की साजिश नहीं? क्या यह दिल्ली दंगों, शाहीन बाग, सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों वाले प्रकरण की पुनर्वृत्ति नहीं? अगला बिंदु, क्या मोदी सरकार, श्री अमित शाह और प्रशासन की कोई जिम्मेवारी नहीं? किसान आंदोलन में अगर कोई हिंसक तत्व षड्यंत्रकारी मंसूबे से घुस गए थे और वो उसके बारे में 24 घंटे से कह रहे थे, तो गुप्तचर एजेंसियों से लेकर, इंटेलिजेंस एजेंसियों से लेकर देश का गृह मंत्रालय क्या कर रहा था? यह विफलता किसान नेताओं की है या दिल्ली की सल्तनत पर बैठे अमित शाह जी की है? क्या इसके लिए गृह मंत्री सीधे जिम्मेदार नहीं? और आखिरी बिंदु, दोस्तों, कल जो हुआ उससे किसको फायदा और किसको नुकसान हुआ, इसी में सारे जवाब छुपे। किसानों को मिल रहे देशव्यापी जन समर्थन का विरोध में बदलना कौन चाहता था और ऐसी कोशिश लगातार कौन कर रहा था? क्या मोदी सरकार और भाजपा नहीं ये कर रही?